हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रीति और आज हम बनाएंगे दो स्टाइल में जंपिंग फ्रॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक स्क्वायर शेप में पेपर लेंगे ऐसे, और इसको बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड दोनों कॉर्नर को मिला के फिर ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ऐसे अब पेपर को ऐसे दोनों साइड में फोल्ड हो गया। पेपर को दूसरी साइड पलट के फिर ऐसे दोनों किनारों को मिला के बीच से फोल्ड करना है। ऐसे अब दूसरी साइड भी इस किनारे को मिला के फोल्ड कर लेंगे। ऐसे टाइट प्रेस करना है ताकि पेपर पे सभी तरफ निशान दिखे। ऐसे देखिए चारों तरफ निशान दिख रहा है। पेपर को ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे, इस तरफ पकड़ के फोल्ड कर लेंगे। उसमें दो पार्ट एक साइड, दो पार्ट एक साइड कर लेंगे। अब पेपर को ऐसे तिरछा ऐसे करेंगे, ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे, दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। इसे बराबर करके फोल्ड करना है। ऐसे हो गया। अब फिर से नीचे से कॉर्नर से फिर ऐसे फोल्ड करना है, बार पेपर को बराबर करते हुए दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रखेंगे पेपर कहीं मुड़े नहीं। ऐसे हो गया, ऐसे देखिए। अब पेपर के ऐसे रख के कॉर्नर पे ऐसे फिंगर रख के ऐसे बराबर करते हुए फोल्ड करेंगे। ऐसे टाइट प्रेस कर देंगे, दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब इसको पकड़ के फिर कॉर्नर से मिलाते हुए ऐसे बराबर फोल्ड करना है। नीचे वाली पेपर की पेपर के बराबर होना चाहिए। इसे बराबर कर लेंगे अच्छे से। दूसरी साइड को भी ऐसे ही मिला के फोल्ड कर लेंगे। ये ऐसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ऐसे हो गया। अब पेपर के थर्ड पार्ट से ऐसे आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, ऐसे टाइट प्रेस कर लेंगे ऐसे, और फोल्ड हुए पार्ट को उसको मिडल पार्ट से ऐसे पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे। उसे टाइट प्रेस कर लेंगे और ये फ्रॉक बनके रेडी हो गया। अब इसे हमें आइज बनानी है। तो मैंने एक वाइट सर्कल पेपर कट कर लिया है और उसमें ब्लैक स्केच पेन से ऐसे सर्कल बना लिया है। उसको ऐसे ग्लू से पेस्ट कर लेंगे ऐसे। ऐसे पेस्ट हो गया और ये फ्रॉक बनके रेडी हो गया। बहुत इजी है बनाने में। अब हम बनाएंगे दूसरे स्टाइल के फ्रॉक। इसके लिए भी हम स्क्वायर शेप पेपर लेंगे और इसके एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला के फोल्ड करेंगे। अब सेम दूसरे साइड भी ऐसे ही करेंगे, दोनों कॉर्नर को मिला के टाइट प्रेस करेंगे बीच में। हो गया। पेपर को उल्टा करेंगे फिर दोनों किनारे को मिला के बीच में ऐसे फोल्ड करेंगे। पेपर को अच्छे से बराबर कर लेंगे, बीच में टाइट प्रेस करेंगे, चारों तरफ निशान पड़ गए। दूसरी साइड भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे।
अभी पेपर को ऐसे रहने देंगे, फिर बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे, दूसरे साइड को भी ऐसे बराबर करते हुए फोल्ड कर लेंगे, फिर ओपन करेंगे इसे और ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसे पेपर को बराबर करते हुए अब ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी ऐसे फोल्ड करेंगे, ये ऐसे। अब इसे ओपन करेंगे और अब देखिए ऐसे फोल्ड करना है, बीच के पार्ट को अंदर की तरफ फोल्ड करना है ऐसे। पेपर को इस किनारे, दोनों किनारे पे सेट करके अच्छे से फिर फोल्ड करेंगे। अब इधर वाले बीच के पार्ट को भी अंदर की तरफ फोल्ड करके ऐसे टाइट प्रेस करेंगे। अब इस साइड के पेपर को भी सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। अब ऐसे फोल्ड हो गए। अब पेपर को देखिए फिर ऊपर की तरफ तिरछा फोल्ड करेंगे कॉर्नर से मिला के। अभी चारों साइड का ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ऐसे ये फोल्ड हो गए। और फिर इसी फोल्ड को पकड़ के फिर एक कॉर्नर पे ऐसे फिंगर रख के अच्छे से फिर बराबर फोल्ड करेंगे। ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे इसे। अब उस साइड को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। हो गया। पेपर को पीछे की तरफ पलटेंगे। अब आगे के कॉर्नर पकड़ के ऐसे फोल्ड करेंगे, जहां से मोड़ने लायक होगा वहां से पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे। पेपर कहीं भी मुड़ा नहीं होना चाहिए। अब ऊपर के कॉर्नर से मिला के बीच के पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे। अब दूसरे साइड को भी फोल्ड कर लेंगे। ऐसे ये फोल्ड हो गया। टाइट प्रेस कर लेंगे चारों तरफ। बीच में ये जो मोड़ दिख रहा है, अब यहाँ से करके ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे इसे। अब ये जो फोल्ड हुआ है इसको बीचे बीच पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर ऐसे करके प्रेस करेंगे ऐसे। यहाँ पे थोड़ा मोटा हो गया है तो प्रेस करने में दिक्कत होगी थोड़ी, तो टाइट प्रेस करेंगे और बीच में ऐसे उंगली रख के ऊपर की तरफ प्रेस कर देंगे ऐसे नीचे दबाते हुए। और ये फ्रॉग मेरा बनके रेडी हो गया। अब इसकी आईज मैंने बना लिए, वाइट पेपर कट किया है, उस पर ब्लैक स्केच से सर्कल बना लिया। इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे। ऐसे पेस्ट हो गई और ये भी फ्रॉग बनके रेडी हो गया। तो आपको कौन सी फ्रॉग अच्छी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Run.